आप देख रहे हैं न्यूज 9 भारत, रखिए आपको सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 9 भारत, मैं हूं आपके साथ अंजलि। देश और दुनिया की तमाम अहम खबरों पर आइए डालते हैं एक नजर। जहां पूरे देश में प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा मुफ्त टीकाकरण अभियान चल रहा है, वहीं आज वार्ड नंबर 25 इंद्रेश नगर में भी वैक्सीन कैंप का आयोजन किया गया। कोरोना महामारी से बचाव को ध्यान में रखते हुए सभी लोगों ने नियमों का पालन किया। वहीं वार्ड के पार्षद मनोज जाटव ने बताया कि अब तक उन्होंने 13 कैंप 45 आयु वाले लोगों को लगा चुके हैं। वहीं आज इंद्रेश नगर में 18 आयु वाले लोगों को टीकाकरण लगाया जा रहा है और इंद्रेश नगर में उनका 14वां कैंप आज लगाया गया है। और उन्होंने कहा कि कोरोना के सभी नियमों का पालन करें, कोरोना अभी गया नहीं है। कोरोना से बचाव के लिए सभी लोग वैक्सीन लगाएं और सुरक्षित रहें। प्रियंका रावत की रिपोर्ट। देखिए, ये सबसे पहले तो मैं माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। उन्होंने हर वार्ड में, हर क्षेत्र में ये वैक्सीन फ्री ये कुछ कैंप लगा रखे हैं और 13 कैंप 45 से प्लस के जो हैं हम हिंदू नेशनल में लगा चुके हैं। इसके बाद आज ये 14वां कैंप 18 प्लस का जो है वो आज इंद्रेश नगर लग रहा है। हकीकत 13 कैंप हम हिंदू नेशनल में लगा चुके हैं और लगातार भारतीय जनता पार्टी सरकार के माध्यम से, माननीय विधायक खजानदे जी के माध्यम से, माननीय विशाल गुप्ता जी के माध्यम से हर वार्ड में, जितने भी वार्ड में, सभी वार्डों में फ्री वैक्सीन कैंप लग रहे हैं। कोरोना काल में आप किस तरीके से इन्हें मैनेज कर रहे हैं, इतनी सारी जनसंख्या? कोरोना काल में मैडम देखिएगा, हमने ये समाज से बोला था कि हम कैंप हिंदू नेशनल में लगाएंगे, वहाँ जगह ज़्यादा है, लेकिन इनका कहना था कि कैंप एक यहाँ भी लगना चाहिए इंद्रेश नगर में। समाज के, जनता के कहने के अनुसार ही यहाँ पर इंद्रेश नगर कैंप लगाया गया है, क्योंकि जगह थोड़ी सी कंटेस्टेंट है, यहाँ पर जगह थोड़ा सा, इसलिए हम जो कैंप हमने लगाए, जितने भी 13 कैंप इसके पहले हमने लगाए, वो हमने हिंदू नेशनल लगाए, वहाँ पर जगह बहुत बड़ी है और व्यवस्था भी ठीक से हो जाती है। अभी तक कितने वैक्सीनेशन कैंप लग चुके हैं, कितने लगने बाकी हैं? मैडम मेरे ही वार्ड में ये 14वां कैंप है, 13 कैंप 45 पार के लग चुके हैं और आज ये 14वां कैंप 18 प्लस का लग रहा है और आगे भी कैंप लगेगा। आगे इसके बाद हम कैंप हिंदू नेशनल में लगाएंगे। आप क्या संदेशा देना चाहोगे उत्तराखंड लोगों को? संदेशा ये देना चाहूँगा कि अभी ये बीमारी हमारे देश से गई नहीं है, थोड़ा सा ध्यान रखने की ज़रूरत है। काफ़ी संकट की घड़ी से हम लोग गुजरे हैं। मैं सभी से ये संदेश हाथ जोड़कर निवेदन करना चाहूँगा, गाइडलाइन जो कोरोना काल की गाइडलाइन है उस पर ध्यान में रखते हुए कार्य करें। हम बहुत टाइम से वैक्सीन के लिए परेशान थे, आज हमारे वैक्सीन लगी। हम अपने पार्षद मनोज जाटव जी का धन्यवाद करते हैं कि उनकी वजह से हमारे वैक्सीन लगी है। धन्यवाद। कोरोना की वजह से हम बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे थे, हमारे मनोज जाटव जी, पार्षद जी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने यहाँ पर कैंप लगवाया और हमारे वैक्सीन लगवाई। आज हमें वैक्सीन लगी है हमारे वार्ड में। हमने काफ़ी जगह ऐसे परेशान थे पहले भी, कभी दून जा रहे थे, कभी वहाँ जा रहे थे, लेकिन हमें लग नहीं रही थी, लेकिन आज हमारे जो पार्षद ने वैक्सीन का बंदोबस्त किया यहाँ पे, तो बहुत सही किया उन्होंने और सबके वैक्सीन लग रही है, बहुत बढ़िया किया, धन्यवाद। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ न्यूज 9 भारत पर। अब चाहूँगी इजाज़त, नमस्कार।